हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रुचि गुप्ता आपके अपने परिवार न्यू आकार एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ये हमारा 11वां प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर है, इसके पहले हमने 10 करवा दिया है। आज ये लास्ट भी है उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी का प्रीवियस ईयर। आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है इसका क्वेश्चन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। इसमें बताना है संयोग और वियोग किस रस का रूप है, वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार और अद्भुत। संयोग और वियोग किसका उदाहरण है, तो ये हमारा सी विकल्प सही है, श्रृंगार का। श्रृंगार रस होता क्या है, जब नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव होता है रति और इसके दो भेद होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो हमें बताना था संयोग और वियोग किस रस के उदाहरण है, तो श्रृंगार रस के, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हमारा क्वेश्चन है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें बताना है कर्मवाच्य, इसका कर्मवाच्य क्या होगा। कर्मवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता बताई जाती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। पहला ऑप्शन है पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो हमारा सी विकल्प सही होगा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। पिताजी से मतलब पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर पत्र कर्म है। तो पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, पत्र पढ़ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कर्म की प्रधानता बताई जा रही है, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, इसमें आपको पहचानना है योजक चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ हुआ है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर दो विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं उनके बीच योजक चिन्ह लगता है। जैसे विपरीत अर्थ वाले क्या होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, ये सब विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा यहाँ पर हेमा, गुनगुन, माया सहेलियां हैं। रोहन ने कहा ये निर्देशक चिन्ह है, मुझे पढ़ाई करनी है, यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह है, मैं घूमने जा रही हूँ। तो हमने क्या बताया, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ दो विपरीत अर्थ वाले शब्द हों वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे भाई और बहन, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इसमें सही समास वाला विकल्प पहचानना है सप्त सिंधु, इसका समास विग्रह करना है क्या होगा। सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह, सात नदियों का समूह। तो सप्त सिंधु का सही समास विग्रह होता है सात सिंधुओं का समूह, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। और इसमें कौन सा समास है, इसमें है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसमें पहला शब्द क्या है, सप्त, सप्त मतलब सात, सात सिंधुओं का समूह, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। इसमें बताना उपकार को मानने वाला क्या होगा, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, कृतघ्न, परोपकारी, धर्मज्ञ। धर्मज्ञ क्या होता है, धर्म को जानने वाले को धर्मज्ञ कहते हैं। परोपकारी किसे कहते हैं, दूसरे के ऊपर उपकार करने वालों को परोपकारी कहते हैं। कृतज्ञ क्या होता है,
उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, लेकिन उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। इसमें बताना है अनेकार्थी शब्द क्या होगा कनक का। कनक का सोना पहला ऑप्शन है, दूसरा चांदी, चावल, कंगन। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? कनक का अनेकार्थी शब्द होता है सोना और धतूरा। तो हमारा ए विकल्प सही है, कनक का अनेकार्थी शब्द होता है सोना। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, इसमें मैं बताना में कौन सा कारक है। संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, जहाँ पर आते हैं वहाँ पर होता है संबंध कारक। सॉरी इसमें बताना है संबोधन कारक क्या होता है, जैसे हे, अरे, ये सब वर्ड जहाँ आता है वहाँ पर होता है संबोधन कारक। संबंध कारक का क्या होता है, जहाँ पर इसका चिन्ह होता है का, की, के। और कर्म कारक को इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने ये सब बताया हुआ है, इन सब कारक का चिन्ह क्या होता है। तो इसमें बताना है बोतल में दूध बचा है, में या पर वर्ड जहाँ पर आता है ये किसका उदाहरण होता है, अधिकरण कारक, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। इसमें बताना है स्कूल, बस, 5 मिनट, डैश, आना, सामान्य, भविष्यकाल। इसका भविष्यकाल बताना है। भविष्य, सामान्य, भविष्यकाल क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे ऐसे वर्ड आए वहाँ पर भविष्य, सामान्य, भविष्यकाल होता है। जैसे आएगी, जाएगी, आएंगे, जाएंगे, ऐसे वर्ड जहाँ पर आते हैं वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होता है। तो स्कूल बस 5 मिनट में, इसमें बताना इसका सामान्य भविष्यकाल क्या होगा। मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आके गई, मैं आके चली गई। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो हमने बताया जिस वाक्य के लास्ट अंत में गागी ऐसे वर्ड आते हैं वहाँ पर होता है सामान्य भविष्यकाल। तो हमारा बी विकल्प सही है, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। इसमें बताना है, इसका भेद बताना है, रवि दीवार रगने लगा है। इसमें बताना है कौन सी क्रिया होगी, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? रवि दीवार रंगने लगा, इसमें है नाम धातु क्रिया, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो क्रिया धातु को छोड़कर, जो क्रिया धातु को छोड़कर, धातु को छोड़कर दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनता है वहाँ पर होता है नाम धातु क्रिया। प्रत्यय कैसे, जैसे रंग धातु है, अब उसमें ना प्रत्यय लग गया, जैसे स्वीकार धातु है और उसमें ना प्रत्यय लग गया तो स्वीकार ना हो गया। तो हमारा सी विकल्प सही है, रवि दीवार रंगने लगा है। तो इसमें होगा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होता है, हमने बताया जो क्रिया धातु को छोड़कर दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। हमने एग्जाम्पल भी बताया, जैसे रंग, रंग में ना जुड़ा है प्रत्यय तो रंगना हो गया, स्वीकार, स्वीकार में ना प्रत्यय लगा तो स्वीकार ना हो गया। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस
विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। इसमें बताना है हंस, हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? हंसिनी, हंसीनी, हंसी, हंसिया। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? हंस का होता है हंसिनी, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का बताना है, इसमें मिसप्रिंट हो गया, पुल्लिंग नहीं, यहाँ पर स्त्रीलिंग बताना है इसका। कुम्हार का क्या होगा? कुम्हारी, कुम्हारी, कुम्हार, कामहिनिन, कुम्हारहिन, क्या होगा इसका उचित विकल्प क्या होगा? आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? इस कुम्हार का होता है कुम्हारिन, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। इसमें सही बहुवचन कौन सा है ये पहचानना है। चुटियाँ, चूटियों, चुटियों, चुटियों, चुटियाएँ। तो आपको क्या लगता है इसमें सही बहुवचन वाला क्या है? तो चुटिया का बहुवचन होता है चुटियाँ। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या होता है, लास्ट में या होता है, तो उसका बहुवचन कैसे बनता है? तो या पे चंद्र बिंदु लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। तो चुटिया का होता है चुटियां, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख पा रहे होंगे हम अपने क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देख लें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला वर्ड है। तो कृपण का बताना है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। हमारा ए विकल्प है करी, धन, पा, धन, रा। तो का दूसरा विकल्प है का, धन, री, धन, पा, धन, आ, धन, रा। और सी विकल्प है का, धन, री, धन, पा, धन, आ, धन, रा, धन, आ। और डी विकल्प है का प्लस री प्लस प प्लस आ प्लस रा प्लस आ। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? कृपण का संधि विच्छेद बताना है। तो हमारा डी विकल्प सही होगा, का, धन, री, धन, प, धन, आ, धन, रा, धन, आ। तो हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। इसमें आपको वर्तनी पहचानना है क्या होगा। कृष्ण, 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 कृष्ण। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो हमारा ए विकल्प सही है, कृष्ण का सही वर्तनी ए वाला विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता बताता है, वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसमें बताना है विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, अर्थात ये प्रविशेषण ही पूछ रहा है इसमें प्रविशेषण क्या होगा। इस बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा वर्ड प्रविशेषण है? इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ कैसे हैं, ऊंचे ऊंचे हैं, तो इसकी तो विशेषता हो गई, लेकिन बहुत ऊंचे हैं ये विशेषण का भी विशेषण विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर होगा बी विकल्प सही है, बहुत। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें वही बताना है पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, पहाड़ कैसे हैं, ऊंचे हैं लेकिन बहुत ऊंचे हैं, ये बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसमें बताना है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम।
तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, संज्ञा शब्दों के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है वहाँ पर सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो इसमें ए विकल्प है अंधायुग, चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी का खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र ये भी मुक्तिबोध जी का है, भरी भूरी भूरी खाक धूल ये भी मुक्तिबोध का है, चाँद का मुँह टेढ़ा है ये भी मुक्तिबोध का है, लेकिन अंधायुग ये है धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती का है अंधायुग, धर्मवीर भारती। तो हमारा ए विकल्प सही है, यही है जो गजानन मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है, अंधायुग धर्मवीर भारती की है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। इसमें बताना है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की है, कल्हड़ की है, वाल्मीकि है, हर्षवर्धन की है। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प कौन सा होगा? तो पृथ्वीराज रासो का होता है चंद्रवरदाई के लेखक हैं चंद्रवरदाई, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। इसमें बताना है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूति, हर्षवर्धन। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो सत्यार्थ प्रकाश है दयानंद सरस्वती जी की, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है, लेकिन यहाँ पर उपन्यास नहीं है बल्कि सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाघा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें बताना है कि श्लाघा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, भाषा संस्कृति में, खेल कूद में, तकनीकी में, या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए? तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाघा सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह हमारा एक गद्यांश है, इससे 5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इस गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, जितना भी इसका क्वेश्चन आता है सारे आंसर इसी में छिपे होते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होता है। इसके जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये जान लो आपको फ्री के नंबर देते हैं। हम पढ़ते हैं अपने गद्यांश को, देखते हैं क्या क्वेश्चन बना है इससे। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 21 से 25 प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो हम पढ़ते हैं हमारा गद्यांश क्या है। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बा का है की होती है, तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांबे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्त की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तांगे में 2-4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिससे कम से कम अशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार
वाहन था, किंतु किफायती किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। यह साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगे घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों को भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो हमारा यही गद्यांश है। हम पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, तांगे का प्रयोग होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा। तो इसमें देखना है हमारा क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है। सामाजिक आर्थिक बदलाव आया, ये यहाँ से बना हुआ है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक सांस्कृतिक और बोलचाल सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा। तो क्या बदलाव आया? हमारा सी विकल्प सही है, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? कसीदाकारी युक्त वस्त्र, कलमकारी युक्त वस्त्र, बुनाई वाले वस्त्र, चमकीले वस्त्र। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? आइए देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो हमारा ए ही विकल्प सही है, कसीदाकारी युक्त वस्त्र घोड़ों के पैरों में सजाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? इसमें बताना है किस रूप में अलग वाहन है। भारी और बड़ा वाहन, छोटा और हल्का वाहन, भारी और हल्का वाहन, छोटा और भारी वाहन। तो आपको क्या लगता है इसमें कहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है? आइए हम देखते हैं, तांगे किस रूप में इक्के से अलग है? तो इसका यहाँ से बना हुआ है किस रूप में, तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है। यहाँ पर बना हुआ है, किफ़ायत की मजदूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा ए विकल्प सही होगा, भारी और बड़ा वाहन है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। परिवहन के साधन के इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक रहन सहन, आर्थिक स्थिति, मूलभूत आवश्यकता। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? आप देख रहे होंगे जितना भी क्वेश्चन है कहीं बाहर से नहीं, इसी गद्यांश से बना हुआ है। तो हमें बताना परिवहन के साधन के इस्तेमाल। तो हम इसको देखते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ देखिए, यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। जबकि बग्घी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं, लेकिन यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। तो परिवहन के साधन का के इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है? तो हमारा ए विकल्प सही है, सामाजिक प्रतिष्ठा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तांगे और इक्के कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3, 5। तो इसको देखते हैं ये कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपने देखा होगा गद्यांश के क्वेश्चन कितने ईजी तरीके से हो सकते हैं। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा
विकल्प है। हमारा क्वेश्चन है रघुपति राघव राजा राम, इसमें बताना है कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। और यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो हमें इसमें बताना था रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। तो इसमें बताना है सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें के आगे कौन सा अव्यय हो गया यही बताना है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा, के आगे सीता के आगे रमा खड़ी है, इसके बीच ये संबंध बता रहा है के आगे खड़ी है, तो हमारा बी विकल्प सही है, संबंध बोधक अव्यय। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध वाक्य बताना है। घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या हो सकता है, सुबह घूमना अच्छा है, हमारा डी विकल्प। आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कृत्रिम मात्राएँ हैं। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारे इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें मात्राओं की गिनती करना है, इसमें बताना है प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, 15 से 13, क्रम से 28, पहले और तीसरे में 12, प्रत्येक चरण में 24, प्रत्येक चरण में 36। आइए हम अपनी मात्राओं की गिनती कर लेते हैं, तब पता चलता है किस चरण में कितनी मात्राएँ हैं। मात्राएं भी दो प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु। तो यहाँ पर का पे लघु लगेगा, यहाँ पर भी लघु लगेगा, यहाँ पर गुरु लगेगा, यहाँ पर भी लघु लगेगा, लघु गुरु लघु, यहाँ पर गुरु लगेगा, यहाँ पर लघु गुरु लघु, यहाँ पर भी गुरु। अब हम देख लेते हैं हमारे पहले लाइन में कितनी मात्राएं हैं, एक दो चार पाँच छः दो आठ एक नौ एक दस दो बारह एक तेरह दो पंद्रह। तो हमारे पहली लाइन में हो गया 15, और दूसरी लाइन में गिनती करते हैं क्या होगा, यहाँ पर लगेगा लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर गुरु गुरु, लघु 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 गुरु। तो गिनती करते हैं 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 2 13, यहाँ पर 13 मात्राएं हैं। तो पहले चरण में 15 और दूसरे चरण में 13, और जब हम यहाँ पर भी मात्राओं की गिनती करेंगे यहाँ पर भी 15 आएगा, और यहाँ पर भी मात्राओं की गिनती करेंगे तो यहाँ पर भी 13 आएगा। तो पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो हमें बताना है इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ हैं, तो 15 से 13, क्रम से 28, पहले और तीसरे में 12, प्रत्येक चरण में 24, प्रत्येक चरण में 36। तो हमारा ए विकल्प सही है, 15 से 13, क्रम से 28, पहले और तीसरे में 12 ये भी नहीं है, प्रत्येक चरण में 24 ये भी नहीं है, प्रत्येक चरण में 36 ये भी नहीं है, पहले और
तीसरे में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, इसका अर्थ बताना है क्या होगा, रो पड़ना, गले लगना, बदल जाना, मूर्ख बनाना। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना अर्थात गले लगा लेना, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही है, अंक भरना मतलब होता है गले लगा लेना, गले लगना। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना हुआ हो। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, इसमें बताना कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुनर्जन्म, यहाँ पर होना चाहिए था पुनर्जन्म, और कुधर्म, आजीवन दिखावा। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? पुनर्जन्म में, जन्म में पुनर् उपसर्ग लगा हुआ है, कुधर्म में कु उपसर्ग लगा हुआ है, आजीवन में, जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन दिखावा में इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, दिख में आवा प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमें बताना था उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, तो हमारा डी विकल्प सही है, दिखावा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। इसमें बताना है इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है। स्वार्थ का बताना है, स्वार्थ का क्या होगा? परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद, वरिष्ठ। स्वार्थ, वरिष्ठ का होता है कनिष्ठ, और विषाद का होता है हर्ष, स्वार्थ का होता है परमार्थ। तो हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का बताना है, अत्यधिक सही संधि विच्छेद क्या होगा? आधन, त्याधिक, अतधन, अतधन अधिक, अत्यधन अधिक, अत धन अधिक। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो अत्यधिक का होता है अति धन अधिक, अति धन अधिक। इसका सही संधि विच्छेद ये होता है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था अति धन अधिक। तो हमारा बी विकल्प सही होगा, इसमें यण स्वर संधि है, जहाँ जब संधि का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से बताया जाएगा उसका सही, इसको कैसे पहचानेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। इसमें सही उचित सामासिक युग्म पद बताना है, आचार का बताना है। आचार क्या है? खाने की वस्तु है, विचार है, चाल चलन है, अनादर है। आचार क्या है? आचार शब्द किसी का आचरण या व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही सामासिक पद क्या हो सकता है? चाल चलन, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। इसमें दुविधा का बताना है, इसका सही समान अर्थ वाला शब्द क्या हो सकता है? धर्म संकट, यथा तथ्य, विस्तृत होनहार। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? दुविधा का होता है धर्म संकट, ये विकल्प हमारा सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। इसमें भी बताना सही समान अर्थ वाला कौन सा शब्द है। पत्थर का बताना है, पत्थर का क्या होता है, पाषाण, गिरि, नवचर, निर्भय। तो आपको क्या लगता है? तो हमारा ए विकल्प सही है, पत्थर का होता है पाषाण, गिरि होता है पर्वत का। तो हमें पत्थर का बताना है, तो हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। इसमें बताना है प्रत्यय क्या होता है जो किसी शब्द के बाद में लगता है, उसके अंत में लगता है। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या ऑप्शन है। इंसान, मदद, जादूगर, समझ। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो हमारा सी विकल्प सही है, इसमें जादू में प्रत्यय लगा हुआ है गर, जादू प्लस गर। तो हमारा सी विकल्प सही है। हमारा आज 37 क्वेश्चन हिंदी का हो गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का, और इसके पहले हमने 10 प्रीवियस ईयर करवाया था, आज ये 11वां था। और हमारा सारा उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी का सारे प्रीवियस ईयर हो चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे आने वाले एग्ज़ामों में। तो अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।